नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों हम हैं मैहर में। आप पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा हम मैहर में ही हैं। और तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा मैहर का टूर कराने वाले हैं, मैहर दिखाने वाले हैं, माता जी का मंदिर भी दिखाएंगे इस वीडियो में। और पूरा वीडियो देखना दोस्तों, आपको कहाँ से कहाँ जाना है ये पूरा जानकारी दूंगा, और मैहर तक के लिए क्या खर्चे लगते हैं ये इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमें स्टेशन में, स्टेशन से वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैहर स्टेशन है। यहाँ से अपन निकलेंगे तो आप देंगे 10 से 15 रुपए ऑटो का किराया, इसके बाद लेके चलेंगे आपको मंदिर की तरफ। अब चलते हैं, आपको मंदिर की तरफ लेके चल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं और तैयार हो गए अब माई शारदा जी के मंदिर के पास में ही रहने के लिए, मतलब नहाने के लिए। प्रसाद लेंगे यहाँ से और चलेंगे जस्ट मंदिर के ऊपर। तो अभी देखते हैं, भैया जी से प्रसाद लेंगे फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे। तो आप पूरा देखते रहिएगा, आपको बताते जाएंगे कहाँ से कहाँ जाना है। तो अभी यहाँ तैयार हो रहे हैं सब लोग, ये देखिए, यही से लेंगे कुछ प्रसाद वगैरह फिर चलेंगे। तो ये सब भाई लोग तैयार हो गए हैं, ये भाई तैयार, अब चलेंगे ऊपर। ये आज के कैमरा मैन फाइनली दोस्तों हम देखिए थे। तो गाइस अब चल दिए हैं माई जी का दर्शन करने के लिए। सीढ़ी चढ़ने में तो मजा आएगा, आप देखते हैं कितना कष्ट होता है। ये सब लोग तैयार प्रसाद ले करके अब यात्रा के लिए चालू होगा। हमें 1000 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे चढ़ पाते हैं, आपको दिखाएंगे पूरा। हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है ये सब कोई। फाइनली दोस्तों अब गेट के पास आ गए हैं। देखिए इधर माई जी की गेट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़ हमें समझ में आ रहा है। यहीं से अंदर चलेंगे, सब लोग दर्शन करके उतर रहे हैं ये यहाँ से अंदर। तो यहाँ से नारियल तोड़वा लेंगे, यहीं से नारियल ऊपर ले जाने का कोई वो नहीं है, यहाँ जमा होता है, शायद ये टूट के देख लेंगे। तो ये देखिए आप, ये माई जी के मंदिर के अंदर ही जैसे ही एंट्री कर रहे हैं, ये देखिए ये द्वार है। देखिए फाइनली दोस्तों अब हम लोग चढ़ने लगे हैं सीढ़ियां, और काफी ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। हम सोचे नहीं थे जितना कि भीड़ है यार, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये आगे आगे भाग रहा है, अभी कुछ टाइम बाद पीछे हो जाएगा, असंभव नहीं संभव। कम से कम 50 सीढ़ी चढ़े होंगे, लेकिन तब पर भी थक गए, हम लोगों को रेस्ट करना पड़ेगा लगता है। बीच बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ नवरात्रि के टाइम में आएंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। हम नवरात्रि के बिना भी आए तो भीड़ है, देखो थक गए बहुत भयानक। ये पीछे सब लगे हैं आक्रमण में, ये तो अब हो गया काम भैया, बहुत ज्यादा थक गए अब। हमें तो लगता था कि रोपवे से ही हमें जाना बेटर था, लेकिन आए हैं जब इतना दूर मैहर तो हमें सीढ़ी चढ़ के ही जाना सही लग रहा था। आप लोग कमेंट करो, कभी आए हो, नहीं आए हो तो आओ एक बार और यहाँ देखो, और रेस्ट करने के लिए, अगर थक जाओ तो रेस्ट करने के लिए यहाँ बना हुआ है, बीच बीच में आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ये अपने दल आ रहे हैं, कैमरामैन बेचारा थक के जा रहा है 1 किलो का कैमरा लेके। देखिए दोस्तों कितना दूर चढ़ के आ गए हैं, अभी ऊपर भी जाना है बहुत, अभी तो फिर से नीचे उतर रहे हैं। अच्छा ये देखो नीचे उतरने का रास्ता, लेकिन नहीं ये रास्ता है, अभी ऊपर ही जा रहे हैं। अभी ये देखो अभी माता जी वहाँ हैं, उससे कम है 500 है। एक अच्छा काम कि जगह जगह पे निःशुल्क पानी,
मतलब पानी जगह जगह पे मिलता है गर्मी के सीजन में। ये देखो लगा हुआ है, पानी पी रहे हैं सब लोग, पी सकते हैं, फ्री में है। एक बहुत अच्छा लगा, रोपवे से लोग जाते हैं, देखो अभी देखो क्या हो रहा है, पसीना रोद रोद आ रहा है। आप कमेंट करके बताओ ये रोद रोद आ रहा क्या है, ये बताओ। अभी सबका अभी पसीना नहीं रोद रोद रहा है, इनका रोद रोद आ रहा है। देखो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सुकून। देखिए काफी भीड़ है यहाँ पे, गए हैं हम लोग, भीड़ लगाए हैं, भीड़ लगा दिए स्वयं। अरे भीड़ है, देखो वास्तव में भीड़ है, आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कितना भयानक इधर भीड़ है जाने वाले। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ लगा है, हम लोग लाइन से बाहर हो गए, अब देखते हैं अंदर कैसे घुस पाते हैं। लेकिन इधर से ये नजारा देखिए कितना मस्त दिख रहा है, अभी ऊपर जाने का टाइम लगेगा, भीड़ लग गया है अभी। देखो वहाँ तक भीड़ है, मतलब समझो कि अभी हम लोगों को यहाँ से जाते एक घंटे लगेंगे अभी ऊपर चढ़ने में, तो एक घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। बताओ मात्र 100 सीढ़ी चढ़ने में एक घंटे लगेंगे, इतना ज्यादा भीड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों आप पहुँच गए हैं मंदिर के पास, लेकिन देखिए भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ, ये देखो है। अरे बाबा सोचे हाय हाय, आदित्य का नहीं आदित्य का ओए हीरो मस्त मंदिर के लगे। देखो दोस्तों अभी पीछे भीड़, कैमरामैन हाय बोलो, अब करीब ही पहुंच गए हैं। देखिए बैक कैमरे दिखाते हैं, माई जी के करीब ही पहुंच गए हैं, लेकिन भीड़ यहाँ देखो काफी ज्यादा ही है। ये शारदा मंदिर कैसा भैया, कैसा हो, पार्टी बदल रहा है, गलत बात है हमारा। देखो भीड़, भीड़ में फंसा बेचारा मुंडा, अंशू नाम का है, मंदिर के पीछे लाउंज में बैठा है। ये बच्चे के माता पिता जहाँ भी हो मंदिर के पीछे लाउंज में क्या करेगा, पोटली कहाँ, अंशू नाम को। तो फाइनली दोस्तों हमने दर्शन कर लिया, फोटो वीडियो अलाउड नहीं था वहाँ, हम इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा फाइनली दोस्तों हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अब देखिए हम माता जी के मढ़िया के पास ही हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ घूम के। वहाँ वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, भीड़ था ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं दिए, तुरंत हटा दिए, इसलिए आप ज़्यादा दिखा नहीं पाए। लेकिन आप बैक कैमरे से दिखाएंगे आपको पूरा यहाँ का नज़ारा, और बहुत मस्त मज़ा आएगा पूरा कैमरे से, आप देखते जाइएगा। ये देखिए पूरा अभी ये सीन है शारदा माता जी की मंदिर, और हम यहाँ खड़े हैं, अभी आपको इधर सामने से पूरा दिखाते हैं नज़ारा, एकदम मस्त है। देखिए दोस्तों अभी भैरव बाबा का आपको दर्शन कराते हैं, मंदिर के पीछे, पीछे साइड जस्ट माता जी के मंदिर के राइट साइड यहाँ है भैरव बाबा का मूर्ति, जो कि यहाँ नारियल तोड़ना मना है, पहले नारियल यहीं टूटता था, लेकिन अब इसी टाइम पे चंदन अंदर लगता है बस। और आपको दिखाते हैं ये भैरव देवी, ये भैरव बाबा, ये देखिए, और इधर माई जी की मंदिर, लेकिन वहाँ वीडियो अलाउड नहीं है, इधर ये दिखा दे रहे हैं आपको। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है, एकदम थक गए हैं, प्रहार निकल रहा लगता है, इसलिए अब आपको थोड़ा दिखा रहे हैं। ये लोग तो पहले ही आ गए थे यहाँ, और कहाँ गए वो लोग। दोस्तों अभी दिखाते हैं नीचे किस प्रकार दिखता है यहाँ से, देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ से, इतना भयानक। देखिए अभी बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं किस प्रकार से शहर पूरा दिखता है, ये देखिए। ए बाबा
अलग ही दिखता है कुछ। हम लोग वहां से आए हैं। अभी आपको यहीं से दिखाते हैं आला उदल का तालाब, जहाँ पे आला उदल है वहाँ का तालाब दिखाते हैं यहाँ से किस प्रकार से दिखता है। काफी दूर है लेकिन दिखेगा शायद यहाँ से, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी धूप बहुत ज्यादा है यहाँ, हद से ज्यादा। आप लोगों को दिखाते हैं, अभी उस साइड जाना पड़ेगा लेकिन दिखाएंगे। भीड़ काफी ज्यादा है यहाँ पे, अभी सबको फोटो वोटो शूट कर रहे हैं सब लोग। काफी इंजॉय, काफी मजा आ रहा है। आप लोग भी आइए, खाली टाइम में आएंगे तो और मजा आएगा। यहाँ भगत कार्यक्रम भी होता है, ये लोग दूर दूर से गायन बजायन करते आते हैं। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं आला उदल का मंदिर, वो मंदिर सॉरी तालाब दिखाते हैं आपको। इधर से नीचे है तो यहाँ से किस प्रकार से दिख पाता है या नहीं, लेकिन आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों आला उदल का तालाब है। ये जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ से तो काफी ज्यादा नीचे है। ये देखिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर, देखिए कितना मस्त मौसम लग रहा है। वो देखिए वहाँ तालाब है नीचे, इधर ये देखिए लिफ्ट वालों का भीड़ लगा हुआ है। यहाँ से दर्शन करके दर्शन करने जाते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ लगा हुआ है उनका। देखिए दोस्तों ये रोपवे वाले के लिए, रोपवे वाले जो आते हैं तो उसका दौर वहाँ से सीधा जाना पड़ता है माई का दर्शन करने के लिए। बाकी जो सीढ़ी चढ़ के आते हैं तो डायरेक्ट उधर ही से दर्शन हो जाता है, इधर बाहर जाने का रास्ता है ये। फाइनली दोस्तों अब दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम नीचे और आपको नीचे दिखाएंगे। यहाँ से देखिए नीचे का दृश्य कुछ, ये हमारे कैमरा मैन फोटो खींचते खींचते परेशान हो गए, लेकिन अभी जारी रहेगा अपना फोटो। अब जा रहे हैं नीचे, अब यहाँ का पूरा दर्शन हो गया है, अब भीड़ भी कम ही बचा। पहले तो बहुत भीड़ था लेकिन उतरते टाइम भीड़ अब कम है। तो क्या हुआ, काफी मस्त मजा आ रहा, लेकिन इधर देखो बहुत नीचा है। अगर ये देखिए अगर कोई धोखे से भी गया तो डायरेक्ट नीचे जाएगा। अरे मम्मी रे मुझे भी डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है इधर से जाने में मुझे, बहुत ज्यादा। अगर जरा सावधानी, सावधानी दुर्घटना घटी बहुत ही ज्यादा। हाँ देखो तो डर लगता है, पैर दोस्तों बहुत तेज दर्द करने लगा, हद से ज्यादा। सबका स्थिति अब खराब होते जा रहा है, बताओ सही है? सही बात है। पैर दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पैर कांप रहा है, पैर कांप रहा है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा। अब जा रहे हैं धीरे धीरे, पहुंच जाएंगे नीचे कि ना पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे दोस्त, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। हाँ भैया का फंगा इसमें लगा दो। अरे नहीं उसको घर ले जाएंगे, पैसा में खरीदे हैं। किसको? उसको प्रसाद है, घर लेके जाएंगे। 100 रुपए का पोटली खरीदे हैं भाई। और आपको अंत में सब कुछ पता चल जाएगा कितना खर्च होता है। ये इनका बदनाम था, बदनाम बता दो ना आप, तो पूरा हो गया ना, हो गया इसे दो बदनाम। मन्नत मतलब मन्नत कुछ मांगे थे, इनका पूरा हो गया, 5 नारियल एक साथ तोड़ दिए। दोस्तों कुछ ही सीढ़ी बचा है, अब उतरने ही वाले हैं। देखिए थक गए, देखिए अब मंदिर के एकदम बाहर पहुंच गए अपन लोग। अब देखते हैं कहीं प्लान और बनेगा जाने का तो फिर अगला पार्ट में आएगा वीडियो। एकदम पूरा थक गए हैं, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पैर कप रहा है, इतना भयानक।
और सब लोग एकदम चले गए हैं, बस हम ही बस रह गए हैं सबसे पीछे और सब लोग चले गए। मैयर के मार्केट जस्ट नीचे ही, उसी के जैसे सीढ़ी उतरेंगे वैसे ही उसके जस्ट बगल में मार्केट लगा हुआ है। ये देखिए, जो भी आप लोगों को लेना है अगर यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। कुछ महंगा मिलता है लेकिन सही है। प्रसाद ले लो 50 का छह आइटम पूरा। ये देखिए एकदम काफी अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं। ग्रुप कुछ लेके हम का। ये देखिए दोस्तों मार्केट घूम रहे हैं। मार्केट में बहुत महंगा सामान मिलता है यहाँ। हम 1500 तब याद नहीं।